मत जाना तो गिरिया करना। एक मर्तबा बीबी ने कहा कि बेटा सज्जाद अब बता हमें यहाँ ठहराया क्यों गया है। एक मर्तबा मौला ने कहा बुबी अम्मा अभी दरबार सजाया जा रहा है, बुबी अम्मा अभी दाखिल नहीं होगे। हाँ बीबियों, एक मर्तबा यजीद से पूछा किसी ने कि तूने इतना एहतमाम किया मुझे ये समझ में आ गया, लेकिन तू आईने क्यों लगा रहा है। आखिरी जुमला ज़ैनब के चाहने वालियों को दे रही हूँ, मेरे दिल में इतनी ताब नहीं कि मैं मसाब दाखिल हरम कर सकूं, मगर बीबी की चाहने वालियों अगर जुमला समझ गई, अगर जुमला समझ गई तो याद रखना कि सज्जाद की गैरत क्या जवाब दी होगी। यजीद ने किसी ने पूछा कि ए यजीद तू ये आईने क्यों लगा रहा है, तो दरबार सजा रहा है, लोगों को बुला रहा है, जानती हो यजीद ने क्या कहा। यजीद ने कहा कि मैंने सुना है अगर उम्र साथ जब बाजार में उम्र साथ के दरबार में बीबियां गई थी, मैंने देखा था कि एक बीबी दूसरे के पीछे चुप रही थी, दूसरी बीबी तीसरे के पीछे चुप रही थी। मैं नहीं चाहता कि अगर कुलसुम यहाँ पे पीछे चुप गई, अगर जैसे ही कोई बीबी अगर गैरत जवाब दे दी एक दूसरे के पीछे छुपी, मैं आईने में देख लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़ैनब को ना देखूं। अरे सज्जाद तड़प गए, मेरा दिल उस वक्त तड़प गया जब यजीद ने कहा आजा ज़ैनब, आजा कुलसुम, आजा रुकैया। मैंने आवाज दी चाचा चाचा पास इमदाद को आइए, अरे बागियों के नारे कोई पत्थर मारना है, कोई गर्म पानी डालना है, कोई सदके के खजूर पे